हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरू के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज के एपिसोड नंबर 54 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से फाइनली जो प्रॉफिट यूसुफ के भाई है वो करण पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो अपने बाबा से मिलते हैं, जहां उनके बाबा को थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हीं के साथ क्यों किया गया, जिसके बतौर पे उन्होंने जवाब दिया क्योंकि वो यत्ता परस्त है इसलिए उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन उनके भाई इतना नहीं समझ पाए कि जो बाकी कनानी थे वो भी सारे यत्ता परस्त थे, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से गुमराह रह गए, लेकिन वो असलियत का पता नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट याकूब को काफ़ी हद तक पता है, या कहीं ना कहीं एक डाउट ज़रूर है कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हुआ है। और मुझे लगता है शायद वो गंदम की महक से भी प्रॉफिट यूसुफ की खुशबू उन्हें कहीं ना कहीं आ गई, हाउएवर वो श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। बट ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखने को मिलता है ऑलरेडी बानो तो जवान हो गई हैं अब, और बानो कब प्रॉफिट यूसुफ से मिलती हैं, और उनके भाई और याकूब नबी कब प्रॉफिट यूसुफ का दीदार करते हैं और उन्हें असलियत का पता चलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहिए। और जैसे मैंने वादा किया था, मैंने खालिद बिन वालिद की भी सीरीज शुरू कर दी है, तो वो ऑलरेडी चल रही है, और जैसे ही यूसुफ सीरीज ख़त्म होगी हम मुख्तारनामा भी शुरू करेंगे। और आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली लिंक भेज सकते हैं अपने वीडियोस का इजीली, और आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वो एक चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ ईजिली डाउनलोड करना है। मुझे बहुत लोग टेलीग्राम यूज़ भी करते होंगे, जो नहीं करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो के लिंक में अवेलेबल, आप जाइए ईजिली डाउनलोड करें, और वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेजेस एंड वीडियोस सेंड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने कंट्रीज बताते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी दूर दूर से, मैं देखती हूँ कि प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज को देखा जाता है, जैसे टर्की, इस्तानबुल, इन कंट्रीज से प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज को जाता था। आई हैव 3-4 यू नो रेगुलर सब्सक्राइबर्स जो कि रेगुलरली कमेंट करते हैं, और ना जाने कितनी कम्युनिटी जो है वो अमेरिका से, न्यूयॉर्क से इस सीरीज़ को देखती है। तो मतलब ऐसे शहरों में भी यूसुफ सीरीज के दीवाने होंगे या यू नो चाहते होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपने थॉट्स शेयर करते रहे, अपने नाम, अपने कंट्री शेयर करते रहिए, और बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हद अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है, फिर भला उन्हें बेवकत चराहों से क्या सरोकार। उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अजरू हिकमत थी या अशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार अशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा, या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के बस तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा, कोई तवक्कु, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे, भला वो हमसे क्या चाहेंगे। हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन यामीन भी होते तो हमें दो हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे। नहीं 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 बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ई बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ई बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया।
कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र रानी की इजाजत नहीं, बसूरत दीकर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं, ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। क्या है? पैसे मिल गए उसके। ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहां से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूरीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदम बिला मुआवजा दे दी है, कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र यह जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हराम खोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीश दिलाई है। समझ गए। लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते हैं? हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है। क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदा वंदे मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके आमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा आमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इतातों रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के जहन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत इकराम, गंदम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बजिद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के जहन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयति शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नियत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे?
अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, सबके बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज़ गंदम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर हैं कि एक बार फिर अपने जिगर गोशियों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहारे पशिमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया? कहीं तो अपनी गलती 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। सही समझे यकूब नबी, सारी बात समझ गए। उनके बेटे नहीं समझ पाए तो शौकी क्या फिर ये जुलेखा बताने दुरूद बर जनाब यदार सिफ। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपास गुजार हूँ, खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा, इंतजार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानवे जलखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ हैं, बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई खास रगबत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानो जलखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक में तनावल कर लें।
बैठिए। क्या बात है प्रॉफिट यूसुफ, खाना देखे गए पर फिर भी खुश नहीं नजर आ रही। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबू तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें, उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की, हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हमें ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है, खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की, जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदम बस इतनी ही रह गई है? ये गंदम दो तीन दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़े जबा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिलवक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने उस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को सबीउल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है, अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम माँ। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ, तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा।
वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से इस एपिसोड में फाइनली जब वो गंदम खोलते हैं तो पता चलता है कि इसमें उनके सारे सोने के सिक्के हैं, जिसकी वजह से तुरंत याकूब नबी ये पता लगा लेते हैं कि मिस्र के जो बेसिकली प्रॉफिट इज़हार सिर्फ है, जो अजीज़ मिस्र हैं वो उन लोगों को जानबूझ के मिस्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या वजह है वो अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि क्योंकि उनके बेटे ठीक से वो सवाल जवाब नहीं बता पा रहे इसलिए उन्हें आइडिया नहीं लग जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डाउट है कि ऐसा क्यों है कि आपको फोर्सफुली मिस्र बुलाया जा रहा है और सामने से उसकी दावत दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि अब गंदम ख़त्म होने को आई है, तो अब यानी वो पार्ट आने वाला है जब प्रॉफिट याकूब और उनके भाई सॉरी ये प्रॉफिट याकूब और उनके बेटे जाएंगे अब मिस्र में और प्रॉफिट इज़हार सिर्फ से उनका आमना सामना होगा। माय गॉड वो टाइम बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो सीरीज़ को बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा और ऐसे मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कॉमेंट्स करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।